Hello friends, welcome again to the world of Maths by Amiya. Now it's again time for golden ratio or golden formula, and the topic is compound interest. This one is your question, and we try to solve this question with the help of golden ratio or golden formula in seconds or within minute. And this you can say cheat code of CI2 and CI4. Because why CI2 and CI4? You have second year and fourth year compound interest were given. You have to find nothing but principal and interest. तो ये कंडीशनल है. ऑलवेज फॉर्मूला और द रेशियोज आर द कंडीशनल. इफ यू हैव सेकेंड ईयर एंड द फोर्थ ईयर ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन, देन हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर डार्विन एंड पर्व सिमरन सिंह ऑफ माई बूस्टर बैच. वो दोनों इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे हमारे क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप में. देन आई गॉट अ सिक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ऑल द SI CI थिंग. ओके, उन्होंने डिस्कस किया और मैंने थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाया तो मुझको एक सीरीज दिख गई, एक पैटर्न दिखा. उस पैटर्न को मैं वन बाय वन आपके सामने लाऊंगा. टुडे इज ऑल अबाउट नथिंग बट इफ हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर दिया हुआ हो तो जनरली हम लोग करते क्या है, वी राइट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द फोर ईयर, दैट इज P into 1 plus R upon 100 raised to power 4 minus P upon P into 1 plus R upon 100 whole square minus p, and solve the quadratic equation or 3-degree equation or any equation and get the value. This is not an easy task. Though we are going to do the almost same thing. If you have second year and fourth year ka compound interest hai, you just need to divide the fourth year by the second year. आप just divide करो. If you are CAT people, because आपके पास calculator allow है, तो आप इसको divide कर लो. अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो यू जस्ट नीड टू डिवाइड. ये 9 से कटेगा, अगर ये 9 से कटेगा 6, दैट इज 6188. ये भी 9 से कटेगा, दिस वन इज 2800, एंड दोनों 7 से कटेंगे, दैट इज 400. एंड ये जब 7 से कटेगा तो ये होगा 884. नाउ दिस वन इज नथिंग बट 100 एंड दिस वन इज नथिंग बट 221. सो वी हैव 221 एंड दिस वन इज द वैल्यू. एंड ये हार्डली लेगा 10 से 15 सेकंड अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो, या 2 सेकंड अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो. यू जस्ट नीड टू गॉट दिस वैल्यू, एंड दिस वन इज √100 अपॉन इज माई रेट. सो व्हाट इज द √100? 1/10 इज नथिंग बट 1/10 into 100 इज आर 10% इज द रेट. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. If you divide CI4 and the CI2, अगर आप CI4 और CI2 डिवाइड करते हो तो रेट फ्रैक्शनल होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे होता है रेट फ्रैक्शनल और द रेट फ्रैक्शनल होल स्क्वायर प्लस रेट फ्रैक्शनल 1 का होल स्क्वायर. मैं बोलता हूँ, मैंने बोला क्या, मेरा रेट क्या है 10%. तो यहाँ पे जो होगा ये होगा 10% का फ्रैक्शन होल स्क्वायर. दिस वन इज नथिंग बट 10 स्क्वायर, एंड दिस नॉट अ 10 बट अ 10 फ्रैक्शन. मैं बताऊंगा आगे होता क्या है. यहाँ होगा 10 फ्रैक्शन प्लस 11 फ्रैक्शन. आप जस्ट डिवाइड करो. ओनली यू नीड टू चेक द डिनोमिनेटर. आप डिनोमिनेटर को अंडर रूट करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेट मिल जाएगा. और आपको बहुत लोगों को ये पता होगा. दिस वीडियो इज फॉर द पीपल जिनको ये नहीं पता है. अगर आपके पास सेकेंड ईयर का और फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड में, तो आप दोनों को डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर को अंडर रूट निकालो एंड 100 से मल्टीप्लाई करो. यू विल गेट द रेट. अगर आपके पास रेट आ गया तो फिर प्रिंसिपल निकालना तो बहुत ईजी है, बिकॉज मुझको पता है 10% का 2 साल का इफेक्ट दिखता है 21%. तो किसी प्रिंसिपल का 21% अगर 252 है तो वो प्रिंसिपल क्या होगी, दैट इज नथिंग बट 252 into 100 upon 21. दिस वन इज नथिंग बट 1200. तो ये आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस इज अ कंडीशनल. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कंडीशनल है. अगर आपके पास सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर का है तभी ऐसा करेंगे. अगर किसी और ईयर का होगा तो दूसरे टाइप से करेंगे. तो आप बोलोगे सर क्या हम सबको याद करें? तो अगर आप याद कर ही जाओगे तो आपका क्या चला जाएगा. इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा है कि कभी कभी कुछ चीज़ें याद कर लें. और ये जो आया है इसे सिंप्लीफाई करके ही आया है. तो मैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करता हूँ. Now check the same concept in this one. If you have second year and fourth year, तो आप fourth year के compound interest को divide the fourth year compound interest at the end with the second year. That is 660 and this one is 100. If you solve, you have nothing but 244 upon 100. When you solve, this one is 61 upon 25, which one is nothing but the 5 square and this one is a 5 square plus 6 square. So what is my rate? Rate is under root 125 in 200. That is nothing but the 20%. So whenever you have second year and fourth year, just divide. CAT जनता कैन ईजिली फाइंड 2.44. अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो. ये 2.44 होगा. सिंप्लीफाई करो एंड गेट द रेट. एंड 20% 2 साल के लिए ये जो देता है 44% का इफेक्ट देता है, जिनको पता है, बिकॉज मुझको पता है 20% इज 12 दैन 12 इज 144, 44% का इफेक्ट देता है. तो आर 44% इफेक्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल इफ इट्स 660 दैन टू फाइंड द प्रिंसिपल इज क्वाइट ईजी इन 200 अपॉन 44. So this one is 4 ja, this one is 6 ja, so this one is 15. So we have nothing but the 1500 the principal, and it hardly takes 30 to 40 seconds or max 1 minute to solve this question. This is again an easy task. I hope it is clear. So you just need to divide fourth year by second year, get the simplest form. 1 by root of the denominator into 100 is your percentage, and according to the rate, find the principal. This is the second, or this is the third question. If you have second year is 7,000, this one is this 1,000. If you have calculator allowed, I would say 9444.44 divided by 1,000. Do like this. This one is nothing but 2.7778. If you have a calculator allowed, and this one is nothing but a reoccurring case. So we can say this one is 7 divided by 9, or we can say this one is 25 divided by 9. And what is the rate? Rate is 1 upon root 9 into 100. That is nothing but 33.33% is the rate. If you have a rate, you have the second year, we can easily find the principal. And finding principal is not a tough task. That is P into 1 by 3. Rate effect of the compound interest is 7 by 9 into 7,000 is nothing but principal is 9,000. So whenever and how I get 7 by 9 we'll discuss in another video. But if you have second year and fourth year, just divide. If you have calculator allow, solve this one. If you do not have a calculator, then 0.44 case is again a reoccurring. So you have 19444, 4 by 9 divided by 7,000. You solve this and get this one is 25 by 9. So this is again not a tough calculation for you, the people of the banking and the SSC or the other MBA prep examination, because you are used to of the calculation. For the CAT, this one is one of the expected question of the CAT. So whenever you have second year and fourth year, divide under root of the denominator into 100 is your answer. Believe me, this one is only one of the pattern. I'm going to discuss all the pattern in the golden ratio compound interest. But video yahi pe khatam nahi hua hai. This is your homework. Either use calculator or pen and paper and get the principal and the interest and post the comment. And अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताओ कि मैं आगे करता रहूँ. So this is just a case because I am really thankful to Mr. Darwin and Parv Simran कि उन्होंने डिस्कस किया मेरे ग्रुप पे या हमारे ग्रुप पे, एंड मैंने ये एनालाइज किया कि ऐसा होता है हर एक कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी 2 दिया होता है तो ऑलवेज टफ क्वेश्चन होता है. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द टफ क्वेश्चन इन द ईजी वे. बट आपको करना क्या होगा, नोट्स बनाने होंगे, ये रेशियो या ये फॉर्मूलेज को रटने होंगे या याद करने होंगे और अप्लाई करने होंगे. एनीवे, दिस इज योर होमवर्क. आई वुड से पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट. ओके, थैंक्स, बाय, हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय. हाय गाइज, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस आउट एनी अपडेट.